अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बेसिकली क्या होती हैं? तीन होती हैं, एक होता है बिग ओ, एक होता है बिग ओमेगा और एक होता है बिग थीटा। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? बिग ओ जो है वो एक कैपिटल ओ आ जाता है, बिग ओमेगा जो है वो यूं करके बन जाता है ओमेगा का सिंबल, बिग थीटा जो है वो थीटा का सिंबल बन जाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या इंडिकेट करते हैं? इंडिकेट करते हैं कि जो आपका प्रोग्राम जो रन हो रहा है वो उसकी क्या है नोटेशन, यानी कि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, वो बहुत ज़्यादा कम टाइम टेकिंग है, या फिर वो इन बिटवीन है। तो अगर आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा टाइम लेता है एक्सिक्यूट होने में, तो वो आपका कहलाता है वर्स्ट केस। वर्स्ट केस हमारा होता है बिग ओ। फिर अगर आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत कम टाइम ले रहा है, तो वो हमारा होता है बेस्ट केस। बेस्ट केस होता है बिग ओमेगा। और फिर अगर ना वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, ना बहुत ज़्यादा कम टाइम ले रहा है, और यानी कि इन बिटवीन है, तो वो फिर हमारा होता है एवरेज केस। तो ये तीन नोटेशंस हैं। ठीक है, तो इसको इनकी फिर कुछ इक्वेशंस होती हैं जिन इक्वेशंस से हम सॉल्व करते हैं। तो अब इक्वेशंस की तरफ जाते हैं। अच्छा, तो ये है हमारी बिग ओ नोटेशन, ये आ गए। ठीक है, इसको हम ये भी कहते हैं कि एसिम्प्टोटिक की अपर बाउंड है। ठीक है, और जो हमेशा याद रखिएगा बिग ओ वर्स्ट केस होता है, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। एफ एन इज बिग ओ जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सच कॉन्स्टेंट सी एन एन नॉट सच दैट, यानी कि हमें जब भी क्वेश्चन मिलेगा ना सॉल्व करने को, तो हमें एक एफ एन की वैल्यू मिलेगी, एक बिग ओ जी एन की वैल्यू मिलेगी। अच्छा, बिग ओ जो है ना, बेसिकली ओ जो है वो आपको इंडिकेशन देगा कि हमें जो है यहाँ पे वो ओमेगा से करना है, बिग ओ से करना है, या फिर थीटा से करना है। तो ये जो ओ है ना, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि बिग ओ से करना है। तो हमें तो एफ एन की कुछ वैल्यू मिलेगी और जी एन की कुछ वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये दो एल्गोरिथम्स हैं। अभी कह रहे हैं कि इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सच कॉन्स्टेंट, यानी कि कोई एक कॉन्स्टेंट सी और एन नॉट, कोई ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे सी और एन नॉट की कुछ ऐसी वैल्यू हो जो हमारी जो ये कंडीशन है ये फुलफिल हो जाए। ठीक है, ये इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो इक्वेशन क्या है? जीरो इस लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन इस लेस देन एंड इक्वल्स टू सी इंटू जी ऑफ एन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लें। अब हमें फॉर एग्जाम्पल हमें वैल्यू मिलती है एफ, कलर चेंज कर लेते हो, हमें वैल्यू मिल रही है एफ ऑफ एन जो है वो हमें मिल रहा है 2n+3। ठीक है, जी एन जो है जी ऑफ एन वो हमें मिला है n। ठीक है, अब जो सी है और एन नॉट है, ठीक है, एन बेसिकली हमें इनकी कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमारी ये कंडीशन फिल हो जाए। सही है, कौन सी कंडीशन फिल हो जाए? ये वाली कंडीशन जहाँ पे एफ एन जो है वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एफ एन जो है वो जी एफ एन से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सी की जो वैल्यू है वो रखते हैं 2। ठीक है, 2 रख दिया, यहाँ पे एन था तो एन को भी एन एन को हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एन को हमने रख लिया 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1 हमारा हो गया 2,
एफ ऑफ एन की हमारी क्या वैल्यू थी, 2n, ठीक है, 2 into n प्लस 3, ठीक है, तो 2n हमारे पास से आता 1, तो 2 1 2 प्लस 3 5 हो गया, और ये 2 into 1 क्या हो गया, 2, तो 5 जो है वो 0 से ग्रेटर देन तो है लेकिन वो 2 से लेस देन नहीं है, 2 से वो ग्रेटर देन है, हमारी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना c चेंज करेंगे। अच्छा, n चेंज नहीं करेंगे, n को हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, हमें बेसिकली इटरेशन चलानी होती है। c जो है वो हम सिर्फ एक ही नंबर सेलेक्ट करते हैं, n जो है वो फिर हम चेंज करते रहते हैं। जैसे अगर 1 से n शुरू किया और c की हमने कुछ ऐसी वैल्यू रखी है फुलफिल हो गई, तो हम जो है फिर वो n पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इटरेशन चलाते रहेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे C पे रखूँ 4, तो 4n जो है वो हमारा 1 है, 4 1 4, और यहाँ पे हमारा 5 था, तो अभी भी जो 5 है वो हमारा लेस देन ग्रेटर देन है 0 से, लेकिन लेस देन नहीं है 4 से, तो हम यहाँ पे रख देते हैं 5, ठीक है। वैसे 4 पे भी अच्छा देखो, अब यहाँ पे आ गया हमारा 5 5 जो है यहाँ पे भी हमारा 5 था, ठीक है, 5 जो है वो हमारा ग्रेटर देन है 0 से और इक्वल्स टू है 5 के, ठीक है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, लेकिन हम क्योंकि 1 2 3 से चला रहे थे तो 5 ही नंबर हमें मिला, तो इसलिए 5 रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है। तो अब हमारा जो c है, क्योंकि c हमारा कॉन्स्टेंट है, तो c हमेशा के लिए 5 रह जाएगा, ठीक है, 5 से हटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब हमारी कंडीशन पहले इरिटेशन में फुल हो चुकी है, जब हमने n 1 रखा था, अब हम रखेंगे n 2, ठीक है, यहाँ पे हमने रख दिया 2 और यहाँ पे था हमारा 5, ठीक है, 5 2 जा हमारा हो गया 10, ठीक है, 10 हो गया, और यहाँ पे हमारा था 2n plus 3, 2 एन जो है वो हमारा 2 है, 2 2 जा 4, 4 plus 3 7, यहाँ पे हमारा आ गया 7, तो 7 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन है 10 से, कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसी तरह से हम एन पे 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 जो भी रखते जाएंगे, हमारी कंडीशन फुलफिल होती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बिग ओ के लिए, ठीक है। बिग ओ का एक और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या किया है, ये वाला क्वेश्चन है तो पूरा वैसा ही जो अभी हम देख रहे थे, एफ एन को 2n plus 3 रखा, जी एन को जो है वो n रखा, फिर सॉल्यूशन कैसे किया, पहले तो एफ एन की वैल्यूज पुट कर दी, फिर जी एन की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन गई कुछ इस तरह से, ठीक है, जब आप सॉल्व करो तो इसी तरह से सॉल्व करना। फिर उसके बाद हमने क्या किया, टेकिंग एन नॉट इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब क्या किया है कि एन नॉट वहां पे हम 1 से कर रहे थे, यहाँ पे इन्होंने 2 से ले लिया, ठीक है, और जब 2 पे रखा और c को जो है वो हमने 4 रखा, तो हमारी कंडीशन क्या बन गई, एफ एन की पे जो है वो हमारा बन गया 7 और g ऑफ n पे हमारा बन गया 8, कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इसी तरह से जो है यहाँ पे जो है फिर इसके बाद हमने रखा है n नॉट, टेकिंग n नॉट इज 3 एंड c इज इक्वल टू 4, क्योंकि c हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे भी कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक है, और तो क्या हो गया, अब हम अगर 4 5 6 7 n नॉट की वैल्यूज चेंज करते जाएं नॉट की, तो वो फुलफिल करता रहेगा, ठीक है। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गई किसकी, बिग ओ की, जो कि होता है वर्स्ट केस। अच्छा, बिग ओ का ग्राफ भी देख लें, ग्राफ कुछ इस तरह से ये बना हुआ है, सही है, अगर आप इसकी इक्वेशन पे देखें तो एफ एन जो है वो जी एन से लेस देन है, ठीक है, तो क्या हो गया कि जब ग्राफ बना है तो जी एन जो है वो ऊपर जा रहा है और एफ एन जो है वो नीचे आ रहा है, तो इसका ग्राफ सेम ऐसे ही बनेगा। अगर वैल्यूज के साथ बनाना है तो c g of n is equals to करके हम इस तरह से वैल्यूज लिख देंगे, इसमें भी equals to करके,
2n plus 3 values लिखते हैं. अच्छा हमारा हो गया वर्स्ट केस, अब आते हैं बेस्ट केस पे. बिग ओमेगा डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, एफ ऑफ एन इज ओमेगा जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ देयर एक्सिस्ट सच कांस्टेंट सी एंड एन नॉट सच दैट. अच्छा इसकी और इसकी इक्वेशन को भी ना गौर से देखें, याद करने का ये बहुत अच्छा तरीका है. एफ ऑफ एन जो है वो जी ऑफ एन से छोटा था, बिग ओम है, यहाँ पे एफ ऑफ एन जो है वो जी ऑफ एन से बड़ा हो गया. ठीक है, जी ऑफ एन जो है वो छोटा हो गया और एफ ऑफ एन जो है बड़ा हो गया, बस. अच्छा कांस्टेंट जो है वो हमेशा जी ऑफ एन के साथ लगता है, तो ये देख लें कि इसके साथ कांस्टेंट लग गया. बस अगर आपको बिग ओ याद हो जाए तो फिर आप बिग ओमेगा भी कर सकते हैं, बिग थीटा भी कर सकते हैं. अब देखें इस वाली इक्वेशन को, देखें जीरो आ गया, जीरो इज लेस देन एंड इक्वल्स टू सी इंटू जी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन फॉर ऑल एन. ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम वही चीज करनी है कि आपको कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट लेना है जिससे हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो जाए. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ ऑन को, जो कि हमने पहले ही ऊपर भी लिया था, 2n प्लस 3, 2n प्लस 3, g ऑफ n को हम ले लेते हैं n, ठीक है. c को हम ऐसा करते हैं कि c को हम फर्स्ट टाइम में लिख देते हैं 1, ठीक है, c को 1 ले लेते हैं और n नॉट को भी हम 1 ले लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 1 आ गया और ये n भी, क्योंकि हमारा 1 था तो n ऑफ n इंटू n 1 हो गया. एफ एन हमारा क्या बनेगा, 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 3 5. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 है और वहां पे हमारा 5 है, तो क्या 1 इज ग्रेटर देन 0, यस. क्या 1 इज लेस देन 5, यस. बस अब कांस्टेंट हमारा हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है, और जो n की वैल्यू है वो हमारी चेंज होती रहेगी, तो सिंपल हो गया. हम c को 2 भी रख सकते हैं, 2 भी हमेशा 0 से बड़ा और 5 से छोटा है, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन 5 नहीं रख सकते. 5 भी रख सकते हैं क्योंकि वो कह रहा है कि लेस देन एंड इक्वल्स टू है, तो 6 नहीं रख सकते. 1 2 3 4 5 तक रख सकते हैं, 6 नहीं रख सकते. ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, फिर हम n की वैल्यू अब 2 रखेंगे, तो 1 2 2 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, तो यहाँ पे जो है वो 2 आ जाएगा, 2 इज लेस देन 7. कंडीशन हमेशा हमारी फुलफिल होती रहेगी. अच्छा इसका भी एक वो देख लेते हैं ग्राफ, तो क्योंकि यहाँ वहाँ क्या था, जी एन बड़ा था एफ एन छोटा था, यहाँ एफ एन बड़ा है जी एन छोटा है, तो एफ एन जो है वो ऊपर जाएगा, जी एन जो है वो नीचे जाएगा. तो बस दोनों में एक एक कोई एक नोटेशन भी समझ आ जाना तो बाकी नोटेशंस को समझना बहुत आसान होता है. ठीक है, इसका भी एक एक्सरसाइज क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ओमेगा के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने लिया एफ एन इज इक्वल्स टू 2n प्लस 3, जी ऑफ एन लिया एन. अब क्या करेंगे, जीरो इज लेस देन इक्वेशन लिख की, इक्वेशन में हमने जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन की वैल्यू डाल दी, फिर क्या किया, सी को 1 ले लिया, एन को 1 ले लिया. अब क्या किया, 1 इज लेस देन 5, ठीक है, तो कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई. फिर क्या किया कि c को 1 ही रखा क्योंकि c हमेशा कांस्टेंट रहेगा, n को 2 रखा, तब भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो हमारा ये काम भी हो गया. अब हमारी बची है लास्ट नोटेशन, थीटा नोटेशन.
थीटा नोटेशन क्या है, एफ ऑफ एन इज थीटा और जी ऑफ एन इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एन इज बिग ओ जी ऑफ एन एंड एफ ऑफ एन इज ओमेगा जी ऑफ एन. ठीक है, सबसे पहले इसको अगर सॉल्व करना है तो किस तरह से करेंगे. ये इक्वेशन क्योंकि ये बिल्कुल एवरेज है, ये दोनों का सैंडविच है, बिग ओ और ओमेगा दोनों का ये सैंडविच है, तो हम इन दोनों की डेफिनेशन वो इक्वेशंस लिख देंगे. तो ये आ गई आपकी बिग ओ की, ठीक है, ये आपकी आ गई बिग ओमेगा की. अब इनके जो कॉन्स्टेंट है ना, कॉन्स्टेंट जैसे हम उसमें जो है सी लिख रहे थे, सी दोनों में सी, अब इसमें भी सी लिखेंगे तो वो तो सेम सी हो जाएगा. तो इसलिए क्या किया है, बिग ओ के सी को वन कर दिया और ओमेगा के सी को टू कर दिया. ठीक है, तो अब क्या है कि अगर इनमें कोई चीज कॉमन देखी जाए तो क्या है, हमारा जो यहाँ पे एफ ऑफ एन आ रहा है ये यहाँ पे भी सेम है और ये यहाँ पे भी सेम है, तो क्या हो गया, ये कॉमन हो गया. हमने जब इक्वेशन बनाई तो क्या किया, सबसे पहले हमने लिख दिया एफ ऑफ एन लिख दिया, जीरो लिख दिया. ठीक है, एफ ऑफ एन के लेफ्ट साइड पे हमने लेस देन एंड इक्वल्स टू बना दिया, सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, और इसके लेफ्ट साइड पे लेस देन एंड राइट साइड पे लेस देन एंड इक्वल्स टू बना लिया. अब यहाँ पे गौर से देखें कि एफ ऑफ एन जो है बिग ओ में जी ऑफ एन से छोटा आता है. ठीक है, तो एफ ऑफ एन इज लेस देन एंड इक्वल्स टू, सही है, बिग ओ. ठीक है, तो हमने बिग ओ का यहाँ पे लिख दिया. फिर एफ ऑफ एन जो है वो ग्रेटर देन है सी जी ऑफ एन से, किसके, ओमेगा से. तो इसका जब ग्रेटर देन यहाँ पे आया तो हमने यहाँ पे बिग ओ लिख दिया और ये वही इज लेस देन एंड इक्वल्स टू आ गया. तो ये बन गई हमारी किसकी इक्वेशन, ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई थीटा की. ठीक है, तो यानी के बिग ओ और बिग ओमेगा इन दोनों को याद रखने से हमारी बिग थीटा बन गई. The equation means that there exists a constant C1 and C2 such that f of n is sandwiched between C2 g of n and C1 g of n. ठीक है, यानी कि वो उन दोनों के बीच में सैंडविच बना हुआ है. अब दोनों के बीच में सैंडविच है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, f of n हमारा बना क्योंकि f of n जो है वो C1 g of n से छोटा था, तो C1 g of n ऊपर आ गया, C2 g of n नीचे आ गया, तो ये इसका ग्राफ बन गया. अब जैसे हम उसमें करते थे, उसमें हम C लेते थे और N लेते थे, यहाँ पे हम N एक ही दफा लेंगे लेकिन जो C है वो हम दो दफा लेंगे, C1 भी लेंगे और C2 भी लेंगे, और दोनों में कुछ ऐसा नंबर रखना पड़ेगा जहां से हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाए. जैसे ये है F of N, हमने रखा 2N plus 3, G of N रखा N. 0 is less than and equals to, हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन में जो है g of n की वैल्यू पुट करी, f of n की वैल्यू पुट करी. ठीक है, अब क्या किया कि c2 जो है उसको 1 ले लिया, c1 जो है उसको 5 ले लिया. जब हमने ये सॉल्व करके रखा तो 1 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से एंड लेस देन है 5 से, ये वाला जो 5 है ये ग्रेटर देन है 1 से और लेस देन एंड इक्वल्स टू है 5 के, कंडीशन फुलफिल हो गई. अब n, ये n 1 के लिए था, अब n 2 के लिए जो है वो हमारा क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, 2 इज लेस देन 7, ट्रू, 7 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू, 7 इज लेस देन 10, ट्रू. तो ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया. तो ये तीन नोटेशंस हैं जिनको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी सिर्फ इक्वेशंस भी याद होना तो पूरा काम हो सकता है आराम से.